नमस्कार, मैं राजा कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने वैक यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में। दोस्तों, यहां पे हम बात करने वाले हैं एक और शानदार दमदार और मसालेदार मुकाबला जो कि खेला जाएगा किसके बीच में, न्यूजीलैंड ओमैन वर्सेस साउथ अफ्रीका ओमैन के बीच में सिटी ओवल में। और वैसे अब टाइमिंग होगा दोपहर के 1 बजे। ध्यान रखिएगा, पहला ओडीआई मुकाबला न्यूजीलैंड ओमैन। एक वक्त लग रहा था कि वह वन साइड जीतने वाली हैं, लेकिन लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि हार जाती हैं। और क्या उसका बदला लेंगी न्यूजीलैंड ओमैन या फिर साउथ अफ्रीका ओमैन आराम से फेंटी दे देंगी। स्टार्ट ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका ओमैन न्यूजीलैंड ओमैन को स्टार्टिंग में हरा दी थी 55/5 विकेट। देन आफ्टर ब्रूक हैलिडे और हन्ना रॉबे ने बेहतरीन नॉक खेल के अच्छे खासे बोर्ड पे टारगेट लगाए थे। जवाब में उतरी थी साउथ अफ्रीका की टीम, ये भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोलैप्स करवा बैठे थे, चाहे वो गुड्डल हो या फिर दोस्तों ताजमिन बिट्स हो या फिर सुनेलूज हो। लेकिन फिर आती है मैडिजा ने कैप, वो थोड़ी बहुत रन करके जो है एक एस्टेब्लिशमेंट प्रदान करती है। उसके बाद वोलवाडेट भी ठीक ठाक नॉक खेलती है, 50 के आसपास का स्कोर करती है। फिर आती है एंडी क्लार्क, वह सब क्या फॉर्म चल रहे हैं उनके। देन आफ्टर उनके बाद आती है सिट्रोएन, वो भी लाजवाब खेलती है और टीम को जितवा के निकाल लेती है। अब आपको टॉस के बाद फाइनल टीम तो चाहिए ना, फाइनल टीम आपको कहां पे मिलेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको एक छोटा सा काम कर लेना है, चले जाना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाने के बाद आपको सबसे टॉप कमेंट में या फिर बोले डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल के ऊपर लैंड कर जाइए। या फिर दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, आप इसी वीडियो के चले जाना कमेंट सेक्शन में, सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। और उससे पहले भाई, अगर आपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है, दिख रहे ना ब्लैक, इसके ऊपर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब करके जो रख लो। सामने डोमेस्टिक के अच्छे खासे मैचेस हैं और वर्ल्ड कप भी आने वाली है, साथ में December 5 से जो है वो कबड्डी भी आने वाला है, तो एक साथ ढेर सारे पिटारा होंगे। बस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर लो, इससे क्या बेनिफिट होगा, मैं जो भी वीडियो दूंगा आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले। जितना जल्दी वीडियो देखोगे ग्रैंड लीग की प्रिपरेशन, उतना पहले आप करना स्टार्ट कर दोगे। अब आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। मैच डिटेल्स देखेंगे, पिच रिपोर्ट, लास्ट मैच, प्लेयर स्टेट्स, वेन्यू स्टेट्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड, रिसेंट फॉर्म और साथ में हम देखेंगे स्मॉल लीग की टीम। और उसके साथ में हम जीएल के 5 कैप्टन वीसी का नाम बताएंगे, जिसको यूज करके आप वहां पर अच्छा खासा रैंक लेके चल सकते हो। हम दोस्तों आइए हम कुछ वेन्यू को लेकर बात कर लेते हैं। तो इस वेन्यू के ऊपर तो एक भी ओडीआई मुकाबला ओमेन्स का खेला ही नहीं है। अगर हम इधर बात कर लेंगे वेन्यू ओमेन T20 स्टेट्स को लेकर बात कर लेंगे, टोटल 2 मुकाबला खेला गया था, जहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक भी नहीं जीती थी, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 के 2 मुकाबला जीती थी। अगर हम T20 में बात कर लेंगे, एवरेज स्कोर को लेकर 140 से 150 थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप उम्मीद कर सकते हो 230 से लेकर 250 के आसपास का टारगेट ओडीआई में। अब आइए हम बात करते हैं हेड टू हेड को लेकर, तो न्यूजीलैंड ओमेन की टीम और अफ्रीका ओमेन की टीम जो है, अगर आप देखोगे लास्ट 5 हेड टू हेड ओडीआई में 5 के 5 मुकाबले साउथ अफ्रीका ओमेन टीम जीती है। इसका मतलब छठा भी क्या अफ्रीका की टीम जीतेंगी या न्यूजीलैंड की टीम पलटवार करेंगी, वो देखने वाली बात होगी। अगर हम बात करेंगे लास्ट 5 ओडीआई मैच अफ्रीका ओमेन का विन लॉस करके आ रही है। अगर वहीं हम बात करेंगे न्यूजीलैंड ओमेन का, वैसा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा लॉस लॉस विन लॉस और नो रिजल्ट लेके आ रही है। अब भाई हम बात करते हैं लास्ट मैच में दोनों टीम ने कैसे प्रदर्शन किया हुआ था। सुजी बेट्स आए थे ओपन करने के लिए अमिलिया कर के साथ, जहां पे बेट्स किए थे 1 रन, अमिलिया कर किए थे 22 रन आउट हो गई थी। सुजी बेट्स सॉफी डिवाइन 5, मैडी ग्रीन 5, टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, बैक कर सकते हो। प्लीमर 12, हैलिडे 76, हन्ना रॉबे 52, उसके अलावा आई गेट 26 किए थे, तहुबू 0 और जेस कर ने बेहतरीन गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी की थी। अगर हम बात करेंगे इनके सामने गेंदबाजी, मैडिजा ने क्या 10 ओवर 37 रन 1 विकेट, बोंगा खाका 10 ओवर 50 रन 1 विकेट, मसबदा क्लास 9 ओवर 60 रन 3 विकेट, एंडी क्लार्क 9 ओवर 34 रन 2 विकेट और मलाबा को लेकर बात कर लेंगे 10 ओवर 35 रन 0 विकेट। अगर हम बात करेंगे अफ्रीका की बल्लेबाजी, वैसे इनकी भी कुछ खास रही नहीं थी, वोलवाडेट 50 की थी, इसके लिए ताजमिन बिट्स 4, गुड्डॉल 2 रन की थी, सुनेलूज 9, मैडिजा ने कैप 27 रन की थी, एंडी क्लार्क 58, उसके अलावा ट्रॉयन 71, जाफ्टा की थी 0 रन। अब इनके अगेंस्ट गेंदबाजी में बात कर लेंगे, जेस्कर 10 ओवर 47 रन 2 विकेट, तहुहू 6 ओवर 32 रन 0 विकेट, हन्ना रॉबे 6 ओवर 26 रन 1 विकेट, सॉफी डिवेन 6 ओवर 38 रन 1 विकेट, अमिलिया कर बिल्कुल नहीं चली थी, इसकी इन्हीं की वजह से ये मैच हारी थी। अमिलिया कर 10 ओवर 36 रन 0 विकेट, एडन कार्सन 8 ओवर 41 रन 1 विकेट, ब्रूक हैलिडे 2 ओवर 10 रन 0 विकेट। अब डेथ ओवर को लेकर बात कर लेंगे तो आपको इधर से दिख जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बंगा खाका, एंडी क्लार्क और मैडिजा ने कैप, और इधर से बात करेंगे सॉफी डिवाइन और आपको जेस्कर के साथ दिख जाएंगी अमिलिया कर भी डेथ में गेंदबाजी करते हुए। अब भाई हम बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर साउथ अफ्रीका ओमेन का, आपको दिख जाएंगे एल वोलवाडे, ताजमिन बिट्स, एल गुड्डॉल, सुनेलूज, मैरिजाने कैप, एंडी क्लार्क, सी ट्रॉयन, एस जाप्टा, एल वोंगा खाका, उसके अलावा एन मलावा और मसबता क्लास। गेंदबाजी में बात कर लेंगे तो क्लास, मलावा, खाका, उसके अलावा यहां से एंडी क्लार्क, मैरिजाने कैप, इन 5 को 10-10 ओवर का स्पेल डालना चाहिए। अगर पिच में स्पिनर के लिए कुछ भी रहा
तो सी ट्रायन यहाँ से 3 से लेकर 5 ओवर की स्पेल डाल सकती है। एक वक्त सुनेलूज भी पैकेज हुआ करती थी, बेहतरीन ऑलराउंडर हुआ करती थी, पता नहीं लास्ट के कुछ टाइम से गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर रही है। अब दोस्तों ये हम बात करते हैं प्लेयर स्टैट्स को लेके, एल वालवर्डेड को लेके बात कर लेंगे। ओडीआई की मेरे नजर में अभी कह सकते हो सबसे बेहतरीन में से एक बल्लेबाज, रिसेंट फॉर्म 2.50 आए हैं, उसके अलावा कुछ खास नहीं किए हुए। 84 ओडीआई में 45 का एवरेज है, ताजमिन बिट्स का 16 ओडीआई में 21 का एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखोगे तो इनको स्टार्ट मिल रहा है। गुड डॉल का लेकर ना बात करें तो बेहतर होगा, लेकिन कभी कभी अनएक्सपेक्टेड नॉक खेल देते हैं। सुनेलूज अच्छे बल्लेबाज हैं, अगर आप इनको लेके बात कर लोगे, देखो मैंने आपको कहा था ना ये गेंदबाजी भी करती हैं, 110 मैच में इन्होंने 115 विकेट ली हैं, 25 का बैटिंग एवरेज है। मैरिजा ने कैप को लेके बात कर ले, वैसे अब क्या रिसेंट फॉर्म है, 27 रन की विकेट, 21 रन 0 विकेट, 29 रन 0 विकेट, 100 रन 0 विकेट, 26 रन 0 विकेट। ध्यान रखिएगा मैरिजा ने कैप रिसेंटली विकेट टेकर गेंदबाज नहीं बन रही है, लेकिन ये एक विकेट टेकर गेंदबाज है, क्योंकि ओवरऑल 133 ओडीआई मैच में 32 का एवरेज और 148 विकेट है। भाई स्टेट्स बता रही है कि कैप्टन वीसी की प्रबल दावेदार होंगी अगर ये पहले बल्लेबाजी करती हैं तो। एंडी क्लार्क 58 रन 2 विकेट, 60 रन 1 विकेट, 24 रन 4 विकेट, 29 रन 3 विकेट और 20 रन 1 विकेट, भाई सब कैप्टनसी के सबसे बेस्ट मटेरियल में से एक होंगे एंडी क्लार्क, इससे बेहतर आप स्टेट्स की उम्मीद नहीं कर सकते हो। 25 ओडीआई मैच में 33 विकेट लिए, 342 रन भी किए हैं, लेकिन एंडी क्लार्क अगर आप लास्ट के 10 मैच देखोगे, वो एंडी क्लार्क वो पहले वाले एंडी क्लार्क से कई गुना बेहतर नजर आ रही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी हो। फिर आपको दिखेंगे एक और बेहतर इंसान नाम, जिसका नाम है सिट्रॉयन। रिसेंट फॉर्म देखोगे 71 रन 0 विकेट, 9 रन 2 विकेट, 4 रन 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 98 ओडीआई मुकाबले 26 विकेट, 26 का एवरेज, 43 विकेट। ऐसा टर्न नाम ले तो बेहतर होगा, मलावा लेंगी जब भी तो गुच्छे में विकेट लेके जाएंगे, 3 विकेट 2 विकेट, अदरवाइज 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, 14 ओडीआई मैच में 9 विकेट लिए हैं। अयोबंगा खाका सबनी मिस माइल, अयोबंगा खाका की जो प्लेयर थी ना वो बड़ी बड़ी टीमों को परेशान में डाल देती थी, और उसके अलावा मैरी जाने का भी, लेकिन इस्माइल संन्यास ले लिए। अयोबंगा खाका 1 विकेट, 8 रन 1 विकेट, 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, 91 ओडीआई मैच में 118 विकेट। मसबता क्लास 3 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट, मतलब या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा या फिर मैं इतना कर दूंगा कि सामने वाली टीम के लिए बचना मुश्किल हो जाएंगे। 62 ओडीआई मैच में इन्होंने 59 विकेट ली है। बेंच पे आपको दिख जाएंगे ये वॉच, मुझे लगता है कि टीम इसको बैक करना चाहिए, काफी टैलेंटेड प्लेयर है। फिर आपको रीडर दिख जाएंगे, टी सेखवानी दिख जाएंगे, उसके अलावा टकर दिख जाएंगे, साथ में सांग से दिख जाएंगी। अगर इसमें से टेस्ट सेखवानी खेल जाती हैं तो आप इनके ऊपर एक स्पेशल ध्यान देना। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट डू नॉट बॉल, 2 विकेट 1 विकेट डू नॉट बॉल, लेकिन ये विकेट टेकर गेंदबाज है, जब भी खेलती है एक आध विकेट लेकर जरूर जाती है। अब दोस्तों ये हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की सेना क्या होंगी, लेकिन उससे पहले मुझे पता आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वैसे किस बात की देरी है, अभी टाइम निकालो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में भी अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। अगर बात करेंगे न्यूजीलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 इज बैटिंग ऑर्डर, मुझे पता नहीं अमेलिया कर ओपन में क्यों शिफ्ट हो गई है, सूजी बेट्स, अमेलिया कर, सॉफी डिवेन, मैडी ग्रीन। अगर बल्लेबाजी में यहां तक देखोगे तो इनकी बल्लेबाजी आक्रमण ठीक है, लेकिन इससे नीचे इनके पास गहराई तो बहुत ज्यादा है, अल तहू बल्लेबाजी कर लेती है, लेकिन फिर इनके पास जो है वो आप बोलोगे एक्सपीरियंस की कमी आ जाती है। प्लीमर ब्लू एवरेज प्लेयर, हैलिडे बहुत अच्छी प्लेयर है, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये ओकेजनली रन बनाते हैं, हन्ना रॉबे ये भी ठीक है, ठीक ठाक वाले तो बहुत हैं, लेकिन बहुत टैलेंटेड बल्लेबाज ऊपर के आपको चार ही दिखेंगे। गेंदबाजी में बात कर लेंगे, जेस्कर, एडन कार्सन, उसके अलावा यहां से आपको दिख जाएंगे अमेलिया कर 3, सॉफी डिवेन 4, अल तहू 5, हन्ना रॉबे 6, ये 6 इनके पास मेन गेंदबाज होंगे, जिसमें से हन्ना रॉबे का स्पेल शॉर्ट होगा, तहू का स्पेल शॉर्ट होगा, तहू के साथ दिक्कतें क्या है भाई, जब ये चलेंगी 4-5 विकेट गुच्छे में लेकर चले जाएंगी, नहीं चलेंगी कुछ भी नहीं करेंगी। अब भाई हम प्लेयर स्टैट्स को लेकर बात कर लेते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी नाम सूजी बेट्स, ओडीआई में 42 का एवरेज मेंटेन किए, 75 विकेट भी लिए हैं, लेकिन रिसेंटली गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, 1-4, 36 रन 0 विकेट, 18-16 रन 0 विकेट लेके आ रही है। अमेलिया कर 22 रन 0 विकेट, 6 रन 2 विकेट, 17 रन 4 विकेट, 5 रन 1 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 63 ओडीआई मैच में इनका 78 विकेट है, 40 का बैटिंग एवरेज है। सॉफी डिवेन रिसेंटली 5 रन 1 विकेट, 38 रन 2 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 38 रन 1 विकेट, 48 रन 2 विकेट, रिसेंटली इनकी बल्लेबाजी में थोड़ी सी दिक्कतें आई है, पहले जैसे सॉफी डिवेन बल्लेबाजी नहीं कर पा रही है, 138 मुकाबला में 32 का एवरेज, 93 विकेट है। मैडी ग्रीन काफी सॉलिड प्लेयर, अगर मैं आपको बोलूंगा इस मैच में किसी के ऊपर रिस्क खेलने के लिए, वैसे आप किसी के ऊपर दौ लगा सकते हो, वो प्लेयर है मैडी ग्रीन। 5, 63, 39, 64, 14 रन इनका जो है रिसेंटली है, 62 मैच में 25 का एवरेज है और गेंदबाजी एक दफा की थी, 1 विकेट मिला था। प्लीमर इनको लेके ना चर्चा करें तो बेहतर होगा, मैंने ये चीज पिछले मैच में बोला था, यह भी बोल रहा हूँ, आई गेस ठीक ठाक प्लेयर है, आप इनसे 15-20 से ज्यादा उम्मीद नहीं कीजिएगा। फिर आपको दिख जाएंगे ब्रूक हैलिडे, 78 रन 0 विकेट, प्रैक्टिस में 87 रन 1 विकेट, उसके अलावा 2 रन 0 विकेट, डू नॉट बॉल डू नॉट बैट भी कह सकते हो, 0 विकेट, 24 ओडीआई मैच में 21 का एवरेज है, 4 विकेट लिए। हन्ना रॉबे 52 रन 2 विकेट, प्रैक्टिस मैच 48 रन 1 विकेट, फिर 0 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 12 रन 1 विकेट,
47 ओडीआई मुकाबले में 48 विकेट इनके पास है, प्लस बल्लेबाजी भी कर लेती हैं। जेएसकर 19 रन 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट। 26 ओडीआई मैच में 34 विकेट हैं जेएसकर के पास, थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर लेती है। कहू 0 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 90 मैच 99 विकेट हैं। एडन कार्सन अगर पिच में स्पिनर के लिए थोड़ा सा मदद रहा तो आपके लिए अच्छी काम कर सकती हैं। 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट लेके आ रही हैं। ओडीआई के 5 मैच में इन्होंने अभी तक टोटल 6 विकेट निकाली है। बेंच में बात कर लेंगे, मैंने पिछले मैच में भी आपको बोला था भाई इनको कैटे एंडरसन को बैक करनी चाहिए, काफी टैलेंटेड प्लेयर हैं, थोड़ा बहुत गेंदबाजी भी कर लेती हैं। रिसेंट फॉर्म 0 37 3 रन 0 विकेट 52 0 रन 0 विकेट। इसके अलावा फ्रांस जोन्स अगर खेलती हैं तो ध्यान आप इनके ऊपर रखिएगा। अब दोस्तों ये हम फाइनल टीम को लेकर बात कर लेते हैं, आपको विकेट के पीछे से दिख जाएंगे। आई गेस को मैंने लिया है, फिर मैंने वर्ल्ड वार्डेट को लिया हुआ है, सूजी वेट्स, सुने लूज, देन आफ्टर मैरी जेनिक कैप, अमिलिया कर, सॉफी डिवाइन, एंडी क्लर्क। बॉलिंग से मैंने अभी के लिए लिए अबोंगा खाका को, जेस्कर को और तहुहू को। मैं यहाँ पे तहुहू और यहाँ से मैं अपने टीम में जेस्कर दोनों को इस मैच में ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं लेकर जा सकता हूँ मलावा और मशमता क्लास को। अब देखिए ये तो मेरा अभी के लिए फाइनल टीम है, लेकिन उस एप्लीकेशन पे जहां पे आप एक बल्लेबाज के साथ खेल सकते हो वहां पे आप वर्ल्ड वार्डेड को रखिएगा, बाकी सूजी वेट सुनील उसको दोनों को ड्रॉप कर दीजिएगा। इन दोनों को ड्रॉप करके आप यहां से लीजिएगा एक गेंदबाज, आपको दिख जाएंगे यहां पे कौन, आपको दिख जाएंगी यहां से एक गेंदबाज जिसका नाम है दोस्तों मलावा, दूसरा नाम मशमता क्लास, या फिर आप ट्राई कर सकते हो एडन कार्सन को भी, या फिर हन्ना रॉबे, रिसेंट फॉर्म लाजवाब चल रहा है। तो आप लेकिन ड्रॉप जरूर करना एक ही बल्लेबाज के साथ जाना, जहां पे आप एक बल्लेबाज के साथ स्टिक कर सकते हो, लाइक ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन। और विजन इलेवन ने अपडेट ला दी है कि वहां पे आप 7:4 वाले भी टीम से खेल सकते हो, 10:1 वाली टीम से भी खेल सकते हो, और वही अपडेट लीग इलेवन पहले से ही रखी थी। अब कैप्टन बीसी को लेकर बात कर लेते हैं, 5 कैप्टन बीसी में आपको बताऊंगा जिसको रोटेट करके आप आराम से ग्रैंड लीग में अच्छा खासा रैंक लेके आ सकते हो। पहला अमिलिया कर, दूसरा मेरी जाने का, तीसरा सॉफी डिवेन, चौथा एंडी क्लार्क, और पांचवा मैं बताऊंगा एक बल्लेबाज का नाम जिनके ऊपर मुझे हमेशा से अच्छा ट्रस्ट रहता है जिसका नाम है एल वलवाडेट। इन 5 को आप रोटेट करके मिनी जीएल जरूर खेलना, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा खासा रैंक लेके आ जाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए, अच्छा खासा विन कीजिए, और समझदारी से मिनी जीएल जरूर ट्राई कीजिए जो मैंने आपको 5 कैप्टन वीसी के पेयर बताए उसको यूज करते हुए। धन्यवाद।